पिछले कई दिनों से शिवाजी मार्केट और काजीपाड़ा क्षेत्र के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। नगर निगम की लापरवाही के चलते लोग काफी परेशान हैं। बिजलीघर स्थित शिवाजी मार्केट के समीप बनी नाले की पुलिया काफी दिनों से ब्लॉक हो चुकी है, फिर भी निगम अधिकारियों की ओर से इस समस्या को लेकर कोई भी गंभीरता नजर नहीं आ रही है। दरअसल काजीपाड़ा क्षेत्र का वार्ड 1 और वार्ड 16 के बीच में आने वाले क्षेत्र बिजलीघर पर सदर भट्टी की ओर जाने वाले मार्ग के नीचे बनी पुलिया में बंद हो जाने के कारण कई दिनों से शिवाजी मार्केट और काजीपाड़ा क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। नगर निगम के अधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद भी उक्त समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी शिवाजी मार्केट के व्यापारियों ने जाम लगाकर उक्त समस्या के निस्तारण की गुहार लगाई थी। वहीं क्षेत्रीय थाना पुलिस द्वारा आश्वासन देकर जाम को खुलवाया गया था। लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। वहीं सोमवार को नगर निगम निर्माण विभाग के इंजीनियर ने भी जाकर क्षेत्र का दौरा किया, साथ ही छत्ता जोन के ZSO इंद्रजीत सिंह भी मौजूद थे। क्षेत्रीय लोगों की माने तो ZSO इंद्रजीत सिंह और क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक द्वारा पिछले कई दिनों से कर्मचारियों को लगाकर रुके हुए नाले को खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लगभग 50 फुट अंदर से नाला जाम होने के कारण उनका प्रयास भी विफल नजर आ रहा है। लोगों ने कहा कि क्षेत्रीय ZSO और सफाई कर्मचारियों की ओर से कोई भी कमी नहीं बरती जा रही, लेकिन समस्या बड़ी होने की वजह से वह भी समस्या से निदान दिलाने में असमर्थ नजर आते हैं। समस्या की गंभीरता को देखते हुए वार्ड 16 के क्षेत्रीय पार्षद ब्रजमोहन ने भी निगम अधिकारियों से वार्तालाप कर समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन विभागीय अधिकारियों की ओर से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। क्षेत्रीय पार्षद ने कहा कि आज भी बार बार अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र प्रसाद यादव को फोन करने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया गया। वहीं क्षेत्रीय पार्षद ने नगर निगम के आला अधिकारियों और शहर के महापौर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निगम के अधिकारी G20 की मेजबानी में लगे हुए हैं और शहर के महापौर को केवल पॉश कॉलोनी में ही समस्याएं नजर आती हैं। दलित और मलिन बस्तियों में समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं। शहर के महापौर द्वारा ना तो उनकी समस्याओं का कोई निस्तारण करते हैं और ना ही कभी क्षेत्र में आकर किसी प्रकार का कोई दौरा करते हैं। मेरा नाम ब्रजमोहन है, वार्ड नंबर 16 से पार्षद। समस्या नाले की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। आज से 5 साल पहले जब मैं पार्षद बना तभी से मैंने इस पाइप पे काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था जब तक पुलिया टूट के नहीं बनेगी और हमेशा हमारे क्षेत्र में पानी भरा रहेगा। आज ये हालत हो गई कि लगातार 7वां दिन है, 7 दिन से ये पुलिया बिल्कुल चौक पड़ी है, जिसके अंदर पट्टिया पत्थर जो सारा कुछ मलबा भरा पड़ा है। 7 दिन से कोई भी कर्मचारी से खाली नहीं कर पाए, क्योंकि अगर ये पुलिया बन जाती तो ये समस्या नहीं आती। पिछले साल भी ये समस्या आई थी, इसमें लोगों को घुसेड़ कर अंदर से खाली कराया गया था, वो भी एक जनहानि का होने का बहुत बड़ा खतरा है। अगर इसकी फाइल को बनवाने के लिए 5 साल से मैंने मेहनत की, इसकी 25 लाख की फाइल पास भी हुई, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। ये बहुत ही बड़ी नगर निगम की ऐसी मतलब क्या बताएं, किसकी लापरवाही मानते हैं आप इसमें? मैं इसमें बड़े साहब की लापरवाही मानता हूं, क्योंकि इस फाइल को मैंने नगर निगम कार्यकारिणी में भी रखा था, कार्यकारिणी से 2 साल में सदस्य भी रहा, उसमें इस प्रस्ताव को लगाया कि साहब इसको बनाया जाए, लेकिन इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया इन्होंने। आज मैं लगातार इनको 7 दिन से फोन मिला रहा हूं, लेकिन कोई भी अधिकारी फोन उठाने को तैयार नहीं है। हालांकि इस समस्या के बारे में सबको पता है। क्या निगम कर्मचारियों ने प्रयास किया इसके खोलने के लिए? नगर निगम के जितने भी कर्मचारी SSI लगातार लगे हुए, आप देख रहे होंगे, लेकिन जब तक इस पुलिया को तोड़ा नहीं जाएगा और दोबारा से इसका निर्माण नहीं होगा, ये समस्या सालों साल ऐसी बनी रही। पिछली बार जब हमारे साथ एक्शन साहब आए थे, अजीत सिंह जी, मैंने उनको सर्वे कराया था और उन्होंने कहा कि हाँ जी बहुत बड़ी समस्या है। मैंने कि इस टाइम स्मार्ट सिटी का भी काम चल रहा है, इस पुलिया का निर्माण कराया जाए, लेकिन उन्होंने भी इस फाइल को बनाने के बाद में और ऐसे दबा के रख दिया, जिससे फाइलों में काम चलता रहा, बस फाइल बनती है, फाइल दब जाती है। क्या मांग करते हैं आप? मैं चाहता हूं कि इसको दोबारा से बनाया जाए, इसे ऐसा निस्तारण किया जाए कि क्षेत्र की जनता को इससे आराम मिले। ये यहीं पर शिवाजी मार्केट है, पूरा क्षेत्र नाला काजी पड़ा कर मनी बस्ती जिसे कहते हैं, जो नाले के सारे घर बने हुए हैं उनके घरों में पानी भरा हुआ है, मस्जिदों में पानी भरा हुआ है, जो कि एक पवित्र स्थान होता है, लेकिन कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आश्वासन आश्वासन आश्वासन, इसके सिवाय कोई काम नहीं। बात हुई मैं लगातार 6 दिन से फोन मिला रहा हूँ, अपर साहब को लगातार मैं 1 घंटे से फोन मिला रहा हूँ कि आप यहाँ पर आइए,
इसको बनाने का, तोड़ने का, जो भी इसका काम होने का, जैसे भी समाधान निकले आकर के देखिएगा। लेकिन किसी ने अभी तक फोन नहीं उठाया। मैं निरीक्षण करने के लिए लगातार नगर निगम जा रहा हूँ, लेकिन बड़े साहब तो मिलते ही नहीं। क्या शहर के महापौर महीने से उनसे समय मांग रहे हैं हम मिलने के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए, लेकिन वो हमें समय तक नहीं दे रहे। अभी कुछ दिन पहले कार्यकारिणी की बैठक हुई, उस टाइम भी हमने बोला कि साहब हमें समय दीजिए, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। क्या शहर के महापौर ने कभी आके निरीक्षण किया? सो जी नहीं, उनको मतलब ही नहीं। अगर ये कमलानगर या बल्केश्वर का मामला होता तो शायद ये तोड़ करके कब कैसे निर्माण कार्य हो चुका। उनको मतलब क्यों नहीं है, कैसे कह सकते हैं आप इस बात? क्षेत्र के मलिन बस्तियों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, जो भी काम होते हैं बहुत इलाके में। जानकारों की माने तो उक्त समस्याओं का समाधान केवल सड़क को बीच में पंचर करके ही निकाला जा सकता है, लेकिन विभागीय अधिकारी अपने अधीनस्थों को भेजकर केवल दौरा कराकर ही संतुष्ट नजर आते हैं। आपको बता दें कि बंद पड़ी नाले की पुलिया में सफाई कर्मचारियों को उतार कर कार्य कराया जा रहा है। अगर अचानक से पानी के दबाव के कारण अगर नाला खुल जाता है तो शायद किसी सफाई कर्मी की जान पर भी बन सकती है। लेकिन विभागीय अधिकारियों को ना तो किसी अपने कर्मचारी की चिंता है और ना ही क्षेत्र में फैली विकराल समस्या की कोई परवाह है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।